DCIM क्यों, नाम तो सुना है ना। देखे होइएगा, आपके स्मार्टफोन या डिजिटल कैमरा होते हैं या DSLR कैमरा होते हैं, उसमें जो है DCIM करके आपको फोल्डर मिल जाता है। क्यों, नोटिस किया है कभी? नहीं किया, इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाइएगा कि DCIM जो फोल्डर होते हैं ये क्यों हम सब के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसको हम डिलीट कर दें, उड़ा दें, तो क्या होगा? कभी इस बात को नोटिस किए नहीं किए हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि DCIM फोल्डर का क्या यूज है और इसको डिलीट करने से क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा दूँ लैब। यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ कंप्यूटर वाले फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ मेरा जो है मोबाइल है, मैं इसमें लगा रखा हूँ एंड्रॉयड फ़ोन, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए कि एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है DCIM, ये वाला फोल्डर को अगर आप डिलीट करते हैं तो इसमें से मैं बता दूँ कि आप जितने भी फोटो क्लिक किए रहिएगा या आपको जितना भी वीडियो रहेगा सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये वाला फाइल जो है अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो इसमें आपको जितने भी, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ यहाँ फोटो हुआ, तो ये सारे के सारे यहाँ पर फोटो आ चुका है। सो इस तरीके से अगर आपको कोई वीडियो हो या स्क्रीनशॉट वाला फोटो हो, अगर आप जो इसमें रहता है अगर आप जो है DCIM फोल्डर यहाँ से डिलीट करके हटा देते हैं तो आपको जितने ही ऑडियो वीडियो रहेगा वो सारे के सारे वो डिलीट हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो या आपको DSLR कैमरा हो या डिजिटल कैमरा हो, अगर ये जो फाइल जो है अगर आपको डिलीट हो जाता है, जैसे ही कोई फोटो क्लिक करते हैं तो आपको जो है फिर से ऑटोमेटिकली जो है आपके जो है एंड्रॉयड फ़ोन में या DSLR कैमरा है या डिजिटल कैमरा है उसमें जो ये जो है ऑटोमेटिकली फिर से इंसर्ट हो जाता है, फिर से आ जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका फुल फॉर्म जानते हैं, ये DCIM का फुल फॉर्म जानते हैं? नहीं जानते, चलिए मैं आपको इसको डिटेल से बता देता हूँ। DCIM का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कैमरा इमेजेस, मतलब डिजिटल कैमरा इमेजेस नाम होता है, ये फुल फॉर्म होता है DCIM का। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया जो हमारे मोबाइल में जो होते हैं वो DCIM का क्या फुल फॉर्म नाम होता है, तो आप बहुत ही आसानी से उसको बता सकते हैं कि डिजिटल कैमरा इमेजेस नाम होता है। और इसको जो डिलीट करने से ये होगा कि आपको जो मोबाइल है या आपका DSLR कैमरा है या आपका स्मार्टफोन है या आपको डिजिटल कैमरा है DSLR कैमरा है या जो भी है, अगर आप जो है उससे डिलीट कर देते हैं ये फोल्डर को, तो ये जो है आपको जितने भी वीडियो रहेंगे या फोटो क्लिक करिए रहेंगे वो सारे सारे जो है आपको डिलीट होके हट जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये फाइल जो होते हैं हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ मेरे मोबाइल में इंसर्ट किया हुआ हूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दी हूँ। इस तरीके से आप सभी के मोबाइल में ये DCIM का आपको फोल्डर मिल जाता है, इसमें आपको फ़ोटो जो क्लिक किए रहिएगा, स्क्रीनशॉट लिए रहिएगा, जब जो भी वीडियो रहेगा वो सारे के सारे आपको इसी फोल्डर में आता है। अब तो वेल गाइज, आप तब समझ ही गए होंगे कि ये जो DCIM का फोल्डर हम सब के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब अगले बार से अगर आप इस फोल्डर को डिलीट करने वाले हैं तो ज़रूर इस बात को नोटिस कीजिएगा कि इसमें आपको जो भी स्क्रीनशॉट वाला फ़ोटो क्लिक किए हुए हैं या कोई कैमरा से फ़ोटो क्लिक किए हुए हैं या आप जो है इसमें आपका कोई वीडियो हो, तो पहले आप क्या कीजिए, इसको किसी अदर फाइल में इसको मूव कर लीजिए। लेकिन अभी अगर नहीं करते हैं तो आपको कोई इंपॉर्टेंट जो है कोई फ़ोटो है या आपका कोई वीडियो है वो इसी इसको आप डिलीट करते हैं, इस तरीके से आप डिलीट करते हैं तो सारे के सारे जो है आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ।